नमस्कार, मैं हूं हनुमान मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे विशेष चुनावी कार्यक्रम संकट में है मंत्री जी में। जी हाँ, इस वीडियो में हम बात मंत्रियों को लेकर के ही करेंगे, विशेषकर उन मंत्रियों को लेकर जिनकी सीट पर इस चुनाव में थोड़ा सा खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। वैसे आपको बता दें कि हमने मध्य प्रदेश की सभी 230 सीटों की भविष्यवाणी की है, जिन्हें आप हमारे चैनल विप्रांजलि पर जाकर देख सकते हैं। यहाँ यानी कि इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है संकट में है मंत्री जी, इसमें हम सिर्फ उन्हीं सीटों की चर्चा करेंगे जहाँ से वर्तमान सरकार के मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं और मीडिया रिपोर्ट्स में उनकी स्थिति खराब बताई जा रही है। क्या वाकई उनकी स्थिति खराब है? आखिर ज्योतिष क्या कहता है इस बारे में? फिलहाल इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं भोपाल दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट की, जहाँ से मध्य प्रदेश के राजस्व विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री उमा शंकर गुप्ता जी मैदान में हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यहाँ इनकी स्थिति ठीक नहीं है। पिछली बार इनका मुकाबला इंडियन नेशनल कांग्रेस के संजीव सक्सेना जी से था। तब संजीव सक्सेना जी 52,959 वोट अर्थात 41.21% वोट पाकर पराजित हुए थे, जबकि उमा शंकर गुप्ता जी 71,167 मत अर्थात 55.37% वोट पाकर के 18,208 मतों से विजयी रहे थे। इस बार मंत्री जी का मुकाबला प्रकाश मांगीलाल शर्मा जी से है, यानी मुकाबला वृष और कन्या राशि के बीच है। देखा जाए तो तुलनात्मक रूप से थोड़ा ही सही, लेकिन शर्मा जी का गोचर बेहतर लग रहा है। अतः हम यह कह सकते हैं कि यहां पर मंत्री जी थोड़े से खतरे में लग रहे हैं, यानी प्रैक्टिकली मंत्री जी खतरे में नजर आ रहे हैं। ज्योतिष भी यह इशारा कर रहा है कि खतरा तो है और साथ ही खतरा खतरनाक भी लग रहा है। खैर, जो भी होगा 11 दिसंबर 2018 को सब स्पष्ट हो जाएगा। इनके समर्थकों से निवेदन है कि हमसे नाराज ना हो, हमने वही कहा है जो गोचर में अनुमानित हुआ है। साथ ही यह भी बता दें कि यह गणना केवल नाम के आधार पर की गई है और केवल नाम को ही अंतिम सत्य नहीं मान लेना चाहिए। असली कुंडली जो कहेगी परिणाम वैसा ही होगा, और अंतिम सत्य यह है कि जीतेगा वही जिसके फेवर में ईवीएम में सर्वाधिक मत पड़े हुए हैं। चलते चलते विशेष निवेदन यह कि स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर यूं ही व्यर्थ में फोन ना किया करें। इस नंबर पर सीधे मुझसे बात नहीं होती है, यह नंबर ऑफिस का है, इस पर केवल अपॉइंटमेंट बुक होता है। अतः फोन तभी करें जब आपको अपनी कुंडली दिखानी हो। स्पष्ट कर दूं कि हम कुंडली देखने की फीस लेते हैं, फीस पहले जमा करनी पड़ती है और फीस जमा होने के 48 घंटे के भीतर भीतर हम आपसे बात करने की कोशिश करते हैं, यानी आपकी बात हमसे करवा दी जाती है। हम डेमो नहीं दे पाते हैं। हाँ, यदि आपको हमारी बातें तार्किक व सही लगें तभी आप फोन करिए, अन्यथा अपना महत्वपूर्ण समय बेकार ना करिए। हमें पता है आपका समय बड़ा कीमती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।